ये है दिल्ली दर्पण। माता जी क्यों बुढ़ापे में क्यों सड़कों पर उतरे हुए झाड़ू लेकर? मैं केजरीवाल को जिताने के लिए उतरी हूँ जी। भाई बनना तो ये भाई हो, सबका साथ देगा ये गरीबा का। काम को वोट मिल रहा है, नाम को वोट नहीं है, काम को वोट है। नमस्कार दिल्ली दर्पण टीम, आपका स्वागत है। मैं हूं अपनी गुप्ता, मुंडका विधानसभा में है, जहां पे आप ऐसे धर्मपाल लाखड़ा को आप देख सकते हैं कि बड़ी जनसभा यहां पे निकाली जा रही है। धर्मपाल लाखड़ा जी यहां पे मौजूद है, लोगों का हुजूम यहां पे आप देख सकते हैं। ज़्यादा संख्या में यहां पे युवा हैं, पुरुष हैं और महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। संख्या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाँव में धर्मपाल लाखड़ा जी का यहां पे जहां पे भी जाते हैं वहां पे लोगों का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है, उनको समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही बातचीत करेंगे आज मुंडका विधानसभा में, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनका विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे बीजेपी ने बात किया है कि आतंकवादी कह के बोला है। तो यहाँ पे लोगों की जानेंगे कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों का क्या कहना है। और देख सकते हैं कि महिलाएँ बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएँ काफ़ी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, कुछ बुजुर्ग महिलाएँ भी हैं। और देख सकते हैं केजरीवाल हमारा भाई आतंकवादी नहीं लिख कर इस तरीके के जो यहाँ पर स्लोगन्स हैं, यहाँ पे पूरी रैली पदयात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। मंडका में ही मौजूद है हम, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जी। क्या लगता है बीजेपी या केजरीवाल आएगा? ऐसे सबके मुकरिया बस फ्री कर दी, ठीक है, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, आगे भी 5 साल के लिए और करेगा जो कराया है, हम इसके साथ हैं। अच्छा एक चीज हो रहा है, बीजेपी केजरीवाल को बता रही है आतंकवादी है, आपके लिए क्या? झूठ बात है, अच्छा इंसान है, ठीक है, लोग बुलाई चाहिए है, गरीब के साथ है। हम तो झाड़ू वाले के पास साथ हैं, झाड़ू वाले के काम से संतुष्ट है। ये अस्पताल खुल गए, स्कूल में भी वो हुई है, कितनी बड़ी रोड बना दिया हमारा, अरे और बनाने के बोल रहा है, और पानी आ गया, बिजली आ गई, पानी आ गया, सब बढ़िया ध्यान रख रखा है। मुंडका में इस वक्त मौजूद हैं लोग हमारे साथ हैं मुंडका से ही। भाई साहब, बीजेपी केजरीवाल को आतंकवादी बोल रही है, आपका क्या कहना है इस पर? ये तो भाई साहब, वो वोट का जब समय आता है तो ये तो अपने आप कोई वो कहते हैं ये आतंकवादी है, कभी बीजेपी वाले बोलते हो आतंकवादी, ये सब तो वोट जब सारे ख़त्म हो जाएगा सारे कहानी। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या है केजरीवाल? केजरीवाल भी अच्छे हैं, दिल्ली में तो अभी केजरीवाल ही है, केजरीवाल बीजेपी इनको आतंकवादी बोल रही है, वो तो बोलने दो यार, ये तो अभी कुछ थे 8 फरवरी तक है बस। ठीक है, केजरीवाल बढ़िया है, अच्छा बंदा है, सही काम कर रहा है, दिल्ली में ऐसी बात थोड़ी नहीं है, सही काम कर रहा है। बीजेपी के जो सांसद है उसको आतंकवादी बोल रहे हैं? नहीं, ये तो अपने अपने विचार हैं, वोट के तरीके से आदमी किसी को भी कुछ भी बोल ले अलग की बात है, लेकिन अपनी अपनी जो दोनों बंदे ठीक हैं, बीजेपी अपनी जगह केंद्र में ठीक है, पैसे भी ठीक है, बीजेपी अपना काम कर रही है, केजरीवाल जी अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने स्कूल अस्पताल ये सब काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, सबका काम हुआ है, 5 साल में विकास भी हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है, ऐसी बात नहीं है। काम से संतुष्ट है? आप कितना संतुष्ट है केजरीवाल के काम से? बहुत अच्छा, बच्चे हमारे पढ़ाई में भी सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट स्कूल से अच्छे पढ़ाई हो रहे हैं, तो भाई हमारा सपोर्ट तो केजरीवाल को है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद, आप देख सकते हैं कुछ बैनर्स लगा रखे हैं, केजरीवाल भाई है, आतंकवादी नहीं है। माता जी क्या कहना है, बीजेपी आतंकवादी बता रही है केजरीवाल को, आपके लिए क्या है? बताओ नहीं नहीं, बीजेपी आ रही नहीं, हारेगी और रंपा लाखड़ा जीतेगा, नहीं वो आतंकवादी बता रहे हैं केजरीवाल, आतंकवादी तो भाजपा वाले हैं, काम करके दिखाएंगे, हमारा नेता हमारा सीएम अरविंद केजरीवाल है। आप लोगों के लिए क्या है वो केजरीवाल? आप लोगों के लिए हम लोग
क्या है केजरीवाल? हमारे लिए केजरीवाल एक पढ़ा लिखा सीएम है जो देश के लिए एक नया विजन लेके आया है, जिसमें हम बिलीव करते हैं कि एक नया विजन है, पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी भी आएगी, सब कुछ जो विकास होना चाहिए विदेशों में, जो फॉरेन में विकास हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो विकास दिल्ली में हो। आपके लिए क्या है केजरीवाल? तो बीजेपी तो आतंकवाद बता रही है, आपके लिए क्या है? केजरीवाल वो इंसान है जो नीचे बेस से उठे हैं, आम आदमी के हर दुख सुख का उसको पता है, इसलिए वो ऊपर तक हमारी सारी दुखों को पहुँचा रहे हैं, एक एक करके हमारी सारी सुविधाओं का समाधान निकाल रहे हैं। पहले उसने दिल्ली के लिए नौकरी निकाली, टीएसएसपी बोर्ड में इतनी नौकरियां चल रही हैं, उसके बाद उसने पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, सारी उनकी उपलब्धियां बताए ना तो बोलते बोलते थक जाएंगे हम लोग, इतनी उपलब्धियां उन्होंने हमें पब्लिक को दे रखी है। बीजेपी उसको आतंकवादी बता रही है, यूँ तो कह यूँ बस हो, कहने को जो मर्जी बोलता रहे, बोलने बोलने का आपके लिए क्या है? बीजेपी आतंकवादी बता रही है, आपके लिए क्या है? हमारे लिए आतंकवादी क्यों होगा, ये तो वो हीरो है, हमारे लिए केजरीवाल हीरो है, धर्मपाल लखड़ा हीरो है, बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे अच्छे काम करते हैं, सोचते हैं घर के बच्चे। स्कूलों में शिक्षा का प्रावधान कर दिया, स्कूल सरकारी स्कूल पहले पढ़ने के लायक नहीं थे, लेकिन अब इतना अच्छा उन्होंने काम कर दिया, बसों की सेवा कर दी है लेडीज के लिए, कमांडो रखवा दिए हैं उसमें, लेडीज के लिए बहुत कुछ किया, इसी को नेता बनाएंगे। झाड़ू वाला बहुत है, नेक है, बहुत अच्छा, आगे तक बढ़ेंगे, हम लोग सब उसके साथ हैं। बुढ़ापे में क्यों निकले भाई? बनना तो ये भाई हो, सबका साथ देगा ये गरीब का। बार पहले बार काम को वोट मिल रहा है, नाम को वोट नहीं है, काम को वोट है, काम कर रहा है, इसलिए झाड़ू वाले ने बहुत काम करा है। आपको क्या माता जी क्यों बुढ़ापे में क्यों सड़कों पर उतरे हुए झाड़ू लेकर? मैं केजरीवाल को जिताने के लिए उतरी हूँ जी। केजरीवाल को क्यों जताना चाह रहे हो आप? उन्हें कई काम किए हैं जी, स्कूल की सुविधा दे दिया, मेडिकल की सुविधा दे दी है, और लेडीजों को फ्री में घुमाया है, उनकी मार्शल लगाए हैं जी, और जी ये यात्रा फ्री करवाई है। आप देख सकते हैं खुद ही नेता, जितना भी नेता बैठा हुआ अपना बीजेपी को जवाब दे रही है कि वो केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, नहीं है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, सब कुछ काम केजरीवाल ने जनता के लिए किया है, इसकी वजह से काफी संतुष्ट है, सड़कों पर है, प्रचार कर रहे हैं, कोई लालच नहीं है, हम लोग रोड पे निकले हैं, कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं, रोड पे निकले हैं।